I hope everyone is doing good. So here I am back with the third part of this series with two more recipes. Hello and welcome to one more episode of On and Off the Plate. So today I'm going to cook chicken malai kofta and chatpati spicy kebab. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज मैं यूज़ कर रही हूँ अराउंड 400 ग्राम्स ऑफ चिकन. तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दो बड़े साइज के अनियंस और इनको मैं फाइनली चॉप कर रही हूँ. ये दो डिशेस मैंने डिनर के बाद बनाया था. डिनर के बाद वाला जो टाइम होता है वो थोड़ा फ्री टाइम होता है. फ्री इन द सेंस जो हमारी यूजुअल डेज की वर्क होती है वो फिनिश हो जाती है. अब प्याज में जो पानी है वो मुझे निकालना है, क्योंकि अगर प्याज में पानी रहेगा तो कोफ्ते बहुत सोगी हो जाएंगे. तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक मसलिन क्लॉथ ले लिया है और उसमें मैंने प्याज को डाल के उसमें नमक स्प्रिंकल करके कुछ टाइम के लिए रख दूँगी, अराउंड 5 मिनट्स के लिए. इन द मीन टाइम लेट्स चॉप फ्यू क्लोव्स ऑफ गार्लिक एंड few pieces of ginger along with some chilies. Peeling garlic is a very tedious work. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. मैं क्या करती हूँ, पील करके और एक ग्लास बॉटल में स्टोर करके फ्रीज में रख देती हूँ. इट मेक्स लाइफ लिटल ईजियर और काम भी जल्दी हो जाता है. अच्छा, इनको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है. अब यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन कीमा अच्छे से क्लीन करके. फिर इसमें हम डालेंगे जो हमने अभी चॉप किया है जिंजर गार्लिक एंड चिलीज. अब जो प्याज नमक लगा के हमने छोड़ दिया था उसको अच्छे से स्क्वीज आउट कर लेंगे. जितना भी पानी है उसमें वो सारा निकाल लेंगे और फिर उसको भी हम ऐड कर देंगे. Now we will dry roast a few whole spices. Details are mentioned on the screen. फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे. इतना फाइन नहीं ग्राइंड करेंगे हम, थोड़ा दरदरा सा करेंगे. अब उसी कढ़ाई में हम ले रहे हैं 2-3 टेबलस्पून ऑफ बेसन. उसको हम अच्छे से भून लेंगे और उसको ऐड कर देंगे कीमे के मिक्सचर के साथ. टू इट आई एम एडिंग द स्पाइस मिक्स. आई एम एडिंग जस्ट 2 टेबलस्पून. रेस्ट जो मैं बच गया है वो मैं दूसरी रेसिपीज़ में यूज़ करूँगी. ये यूजुअली आप स्टोर भी कर सकते हो, स्टोर करके दूसरी रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकते हो. अब इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है और उसके साथ मैं लेमन जूस डालूँगी. अब इसमें जाएगा थोड़ा सा तेल एंड फाइनली चॉप्ड करियंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स. मिंट लीव्स अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. मिंट लीव्स से बहुत अच्छी सी एक फ्रेशनेस आती है, बट एट द सेम टाइम मिंट लीव्स बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है. आई यूजली मेक अ पेस्ट एंड स्टोर इट, बट समटाइम्स जैसे ऐसे कुछ स्पेशल ओकेशंस होते हैं तो उस टाइम पे तो फ्रेश लाना ही पड़ता है. अब इस मिक्सचर को 2-3 मिनट के लिए हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जस्ट लाइक नीडिंग ए डो, सो दैट इसमें एक बाइंडिंग टेक्स्चर आ जाए. अब इस मिक्सचर को हम पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे. बेसिकली मैं एक ही मिक्सचर से दोनों रेसिपीज बनाने वाली हूँ. इसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर लाने के लिए मैं कोयले को गर्म कर रही हूँ और तब तक मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून ऑफ तंदूरी मसाला एंड लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक पाउडर. And now we will knead it once again.
कोयला गर्म हो चुकी है, अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक छोटे से बोल में और उसके ऊपर तेल या फिर घी डाल के इमीडिएटली जस्ट क्लोज द लिड, लेट इट रेस्ट फॉर अराउंड 15 to 20 minutes। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। उसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ी सी ये क्रीम। मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ते और क्रीम ऐड करने से कोफ्ते थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। अब हाथों में थोड़ा पानी लगा के हम इनकी छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। If you have not watched the first two parts of the series, then please go and watch it. Links आपको description में मिल जाएगा, as well as you will get it in the I button. तो अब मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं and now हम इन्हें fry करेंगे। मैं कुछ और करने लग गई थी तो मेरे कोफ्ते थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई हो गए थे। इनको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन होने के बाद ही हम इन्हें निकाल देंगे क्योंकि इन्हें हमें ग्रेवी में भी कुक करना है, तो हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। इस स्टेज में मैंने इन्हें फ्राई करके ठंडा करके फ्रीज में रख दिया था और नेक्स्ट डे ग्रेवी बना के फिर मैंने इसे डन किया था। So this is the next day's clip. Now let's prepare the gravy. And for that I have taken 2 tablespoons of mustard oil and मैंने उसमें ऐड किया है अराउंड 1 chopped onion. अनियंस को थोड़ा सॉटे करेंगे, इसको रेड नहीं करना है, हल्का सा जब ट्रांसलूसेंट हो जाए तब उतना ही काफ़ी है। उसके साथ हम ऐड करेंगे अराउंड 10 to 15 काजू। दिस इज़ डन, इनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी जार में। अब मैंने यहाँ पे सोक करके रखा था कुछ मगज के सीड्स, 3 to 4 ग्रीन कार्डमम्स और एक जावित्री। इनको भी हम मिक्सी जार में ऐड कर देंगे और दोनों के अच्छे से एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। टू द सेम पैन आई हैव एडेड 3-4 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड टू इट आई हैव एडेड 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। जो पेस्ट हमें रेडी किया था उसको ऐड कर देंगे इसमें। यू विल कुक इट फॉर सम टाइम टिल द ग्रेवी रिलीजेस द ऑयल। इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू गेट द फीडबैक, so don't forget to drop down your valuable comments. Gravy is almost done. अच्छा, at this stage मैंने इसमें 1 tablespoon of salt and white pepper powder use किया है। अगर आपके पास white pepper powder नहीं है तो आप black pepper powder भी डाल सकते हो। फिर मैंने add कर दिया है 1 tablespoon of गरम मसाला। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करके इसको और 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। अब आप देख सकते हो ये अच्छे से कुक हो गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। अभी हम इसमें 4 to 5 टेबलस्पून ऑफ कर्ड अच्छे से फेंट के ऐड करेंगे। ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ क्रीम। आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो या फिर मार्केट में जो अमूल क्रीम आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। क्रीम डाल के 2-3 मिनट के बाद हम कोफ्ते इसमें ऐड कर देंगे। इसकी क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी में थी और जल्दी जल्दी फिनिश अप करना चाहती थी सब कुछ। बिकॉज कोई भी गैदरिंग गेट टुगेदर में इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट योर हाउस शुड ऑल्सो लुक गुड
इवन यू शुड ऑल्सो मेक योर सेल्फ प्रजेंटेबल. लाइक ऐसा ना हो कि गेस्ट आए हुए हैं एंड यू आर एग्जॉस्टेड एंड सिर्फ खाना ही बनाने में लगे हो. सो आई विल ऑलवेज कीप एन आर इन माई हैंड कि मैं सब कुछ रेडी एंड परफेक्ट कर सकूँ. एनी वेज इसमें मैं लास्टली कसूरी मेथी मैंने क्रश करके डाल दिया है एंड दिस इज़ रेडी. ओके लेट्स कम बैक टू द कबाब जिसको हमने स्मोक करके रखा था. इसको हम थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए मीट कर लेंगे. इसके बाद सेम हाथों में पानी लगा के हम इनको एक शेप दे देंगे. आप कोई भी शेप दे सकते हो. आज मैं ये वाला शेप दे रही हूँ. लाइक कोई भी फेस के ड्राइंग में जब हम आइज बनाते हैं तो उसके जैसा ही शेप है ये. ऐसे ही हम सारे रेडी कर लेंगे. और अब मैंने क्या किया है, एक नाइफ लेके नाइफ के जो बैक साइड है ब्लंट साइड उससे ऊपर थोड़ा सा ऐसे, ये इट्स जस्ट ऑप्शनल. मुझे थोड़ा डिज़ाइंस देख के प्लेट देख के अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने उसके ऊपर थोड़ा एक डिज़ाइन कर दिया है. नाउ एक ग्रिल पैन और एनी नॉर्मल पैन यू कैन टेक, उसमें थोड़ा वेल डिजल करके एंड वी आर गोइंग टू फ्राई इट. नाउ दिस फ्राइंग ऑल्सो आई हैव डन द नेक्स्ट डे. आप देख सकते हो ये मैंने ये फ्रीज में रख दिया है तो ये कैसे बहुत हार्ड बन गया था. तो इसको बाहर निकाल के मैंने मॉर्निंग में रख दिया एंड जब गेस्ट आए रहे थे उससे पहले मैंने इनको बस फ्राई कर लिया था. नाउ हियर आई वाज ट्राइंग टू एडजस्ट ऑल ऑफ देम कि एक ही पैन में सारा हो जाए. सो दिस वाज द लास्ट टास्क जो मैंने पहले प्रीवियस नाइट को किया था. उसके बाद आई जस्ट चेक्ड कि नेक्स्ट डे के लिए अगर कोई पीलिंग एंड चॉपिंग रह जाता है तो वो मैंने करके रख दिया. सो दैट नेक्स्ट डे मेरे पास जस्ट टेबल सेटिंग एंड जो भी फिनिशिंग वर्क था वो रह जाए एंड आई एम डन विथ इट. और मैं गेस्ट आने से पहले आई कैन मेक श्योर दैट एवरीथिंग अलोंग विथ द हाउस इज एवरीथिंग इज़ रेडी. सो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट एपिसोड क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में भी दो और डिशेस हैं जो मुझे प्रिपेयर करना है. तो वो कैसे मैं प्रिपेयर करती हूँ और कौन से डिशेस हैं वो सब देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. Thank you so much for watching.